जन्मभूमि मेरु पहाड़, प्यारी जन्मभूमि मेरु पहाड़। तो इस अंदाज में उत्तराखंड की आवाज और इंडियन आइडल विनर पवनदीप राजन ने अपने गांव में एंट्री ली। पवनदीप का गांव पिथौरागढ़ जिले में है और उनके गांव का नाम सल्ला है। उत्तराखंड समेत देश दुनिया में अपनी आवाज का जादू बिखेरने वाले पवनदीप लंबे वक्त के बाद अपने गांव लौटे थे और जब अपनी जन्मभूमि में पहुंचे तो उन्होंने कुमाऊनी और बॉलीवुड गाने गाकर समा बांध दिया। इस दौरान पवनदीप राजन के पिता भी उनके गानों पर झूमते हुए दिखाई दिए थे। इतना ही नहीं, पवनदीप को सुनने के लिए आसपास के गांव के लोग भी उनके घर पर उमड़ पड़े थे और पवनदीप राजन ने भी रात भर ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर उन्हें अपने गाने सुनाए। इतना ही नहीं, म्यूजिक के दीवाने जानते हैं कि पवनदीप सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि एक अच्छे म्यूजिशियन भी हैं और ये उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर साबित किया है। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पवनदीप जब अपने घर पर अपने गाँव के लोगों के साथ गाने गा रहे थे तो वो केसियो बजाते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि पवनदीप अपने परिवार के साथ अपने पैतृक गांव में पूजा अर्चना के लिए आए हुए थे और कहा जा रहा है कि इस दौरान उनके साथ इंडियन आइडल फेम अरुणिका कांजीवाल भी उनके गांव पहुंची थी। पिथौरागढ़ से राकेश पंत की रिपोर्ट।